बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। और वहीं पे देश के गृह मंत्री जब पटना आए हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भ्रष्टाचारियों को हम उल्टा लटकाने का काम करेंगे, लेकिन आरजेडी उसको लेके अब पोस्टरबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि जो देश भर में भ्रष्टाचार है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है जिसमें भाजपा का भ्रष्टाचार जनता की आँख खोल के देखने के लिए ये बताया जा रहा है। और इसमें साफ तौर पे है कई तरह के मुद्दे हैं, लगभग 10 मुद्दा है, और उसमें बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका नाम लिखा हुआ है। जय पांडा जमीन घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, हिमंत विश्वास शर्मा शारदा घोटाला, यानी कह सकते हैं कि जितने बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, और बीच में उन नरेंद्र मोदी को रखा गया है ईडी और सीबीआई, यानी सब पर जो विपक्षी पार्टी है उस पर तो ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं करते हैं। अरुण यादव हैं, प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी के, इन्होंने ही पोस्टर लगाया है और उनसे बातचीत करेंगे कि इसमें अरुण जी, जिस तरीके से आप लोग पोस्टर लगाए हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको उल्टा लटकाने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग तो पूरे बीजेपी का तो पूरा ढड्ढर खोल के रख दिया है। बीजेपी को पहले उल्टा लटकाए ना, वो नरेंद्र मोदी को उल्टा लटकाए ना, जो कि गलत ये प्रधानमंत्री जो कोरोना काल में जो बनाए हैं, और वो कहें कि हम इसका जानकारी नहीं, प्राइवेट फंड है, प्रधानमंत्री जो फंड बनाए प्राइवेट फंड, लेकिन उसको सरकारी संस्था से वो चंदा लिए कितना, 5,349 करोड़। तो जब सरकारी संस्था से आप चंदा ले रहे हैं तो प्राइवेट फंड कहाँ से रहा है? ये एक प्रकार का घोटाला है। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का तो डिटेल घोटाला अब आ गया है, लेकिन ये पहले से ही हम लोग को जानकारी है कि 30 ऐसे कंपनियाँ जिस पर सीबीआई और ईडी की जाँच चल रही थी, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए भाजपा को दिया पैसा और वो सब ईडी और सीबीआई जाँच बंद। और कैग रिपोर्ट के अनुसार 10 घोटाले के जो है, ये 10 घोटाले कैग रिपोर्ट में है, ये मेरा नहीं निकाला हुआ है, सरकार का रिपोर्ट है, सरकार का दस्तावेज है। तो जब सरकार कह रही है, सरकार का संस्था कह रही है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, तो जीरो टॉलरेंस कहाँ अमित शाह जी को दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी को? तो कह रहे कि जो भ्रष्टाचार का उसको उल्टा लटका देंगे। लालू यादव को भी लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भ्रष्टाचारी के जन, लालू यादव का नाम लेकर करके ये लोग अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं। लालू यादव ने क्या भ्रष्टाचार किया? लालू यादव को जो भी चारा घोटाला में सजा भी दी गई तो उसमें भ्रष्टाचार में दोषी नहीं पाया गया, उसमें कंस्पिरेसी कहा गया, कहीं नहीं ये कहा गया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको इतना रुपया मिला या ये हुआ वो, कुछ नहीं, ये सिर्फ कंस्पिरेसी। तो ये सब लालू जी का नाम लेकर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और लालू जी कहीं इस सब में नहीं है। लालू जी आम जनता के काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें दोषी बना कर करके जेल में भेजने का काम, जो उनका बात भाजपा को नहीं माना। अब ये देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को किस प्रकार से जेल भेजा गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को, संजय सिंह को, क्या सब ये सब घोटाले में? कोई घोटाला में नहीं, लेकिन जब इनकी बात आप नहीं मानिएगा तो हो सकता है कि वो हमको भी घोटाला में डाल दे। रोड पर चलने वाले सड़क छाप आदमी को भी घोटाला में डाला जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाल है। जब तक अमित शाह ये सब चीज़ पर लोगों को, जनता को गुमराह जो कर रहे थे, उसी को मैं जनता के सामने लाने का काम किया आप लोग के माध्यम से। ये जनता के सामने है और जनता देखे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या घोटाला है। लोकसभा चुनाव है, चुनाव आने वाला है, इसमें इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका रहेगी? यदि सरकार बनती है तो आप लोग, इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगी। मैं आपको लिख रहा हूँ, जो जो इतना हल्ला कर रहे हैं ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे खुशफहमी में कि हमारी सरकार आ रही है, इससे आ रही है, उससे आ रही है, तो वो होने वाला नहीं है। ये इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो देखिए, ये जो पोस्टर लगाया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीके से जो घोटाला हुआ है और इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, तो उसमें
सभी दोषियों को कार्रवाई होगी। तो देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो आरजेडी जो पोस्टर लगाया इस पर बीजेपी कैसे पलटवार करती है। आलोक कुमार दास, पटना।